हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल। तो जो बिहार दरोगा एग्जाम जो हुआ था उसका जो पेपर लीक का जो मामला आया था उसमें सरकार ने तो अपना दिया था कि पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन छात्रों को लिए एक अच्छी न्यूज आई है कि आयोग ने कम से कम ये बात तो मान ही ली है कि क्वेश्चन लीक हुआ है। सो इसके विरोध में हाई कोर्ट में रीट करने की सारी जो है प्रक्रिया आज पूरी हो गई है और इसमें सभी छात्रों का बहुत अच्छा योगदान रहा। रीट की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब मान सकते हैं कि मेरा दरोगा का जो मामला है वो हाई कोर्ट में चला ही जाएगा। कल जो थोड़ी बहुत प्रोसेस है वो कल पूरा हो जाएगा। दरोगा पेपर लीक मामले में जांच आयोग की परीक्षा रद्द नहीं किए जाने के फैसले के बाद आज काफी संख्या में बिहार दरोगा अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट के निकट पीपल के पेड़ के पास एकत्र हुए। उन्होंने अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जमा कर हलफनामा पर सिग्नेचर किया। कल छात्रों के द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर किए जाएंगे। तो ये अभी जो सूचना आई है फेसबुक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक जितने भी एविडेंस प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि दरोगा परीक्षा 100% कैंसिल होगा और ये एग्जाम होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही, क्योंकि जितने भी सारे एविडेंस हैं उसके आधार पर हाई कोर्ट को एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा और आयोग को दोबारा एग्जाम लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये आज के कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, आप उसको देखिए जिसमें कैसे छात्र एकत्र हुए और किस प्रकार से अपना आवेदन पत्र उसके साथ आधार कार्ड और सहयोग राशि जमा किए। ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें आदरणीय रहमान सर जी का बहुत मान है और बहुत ही उनका सहयोग हो रहा है और वे छात्रों के हित के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनका सराहनीय योगदान रहा है और छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जल्दी रीट कीजिए, जल्द से जल्द रीट कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये वीडियो देखिए, इसमें सभी जितने भी दरोगा परीक्षार्थी हैं वो हाई कोर्ट के सामने पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हुए हैं और वे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सहयोग राशि जमा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें, गौर से देखें। द्वारा मोइनुल हक स्टेडियम में जो है अपना अपना एडमिट कार्ड और इसके साथ अपना आधार कार्ड और सहयोग राशि जमा किया जा रहा है। हाँ तो आज पूरे दिन क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या छात्रों ने किया, क्या रहमान सर ने किया, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे मैं वीडियो बनाकर जैसे ही अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इसको लाइक जरूर करें।